हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं भाई जन्नत में। हाँ जी कहाँ जा रहे हैं? जन्नत। हाँ जी अरे जाने नहीं है लोग। क्या खा रहे हो भाजी? आइसक्रीम। चैनल का नाम बताओ तुम भी अपना। दुग्गी पीट में। क्या बोल रहे हो? छोटा प्लेट लगा रखा है मुंह बैठ जाए। नियॉन बैंड पहन के रही हो तू रात को गायब हो जाता है। ले भाई सारे के सारे बंदे मेरे पीछे पड़े रहे भाई। क्या दिक्कत क्या तुम लोग मेरे से? वहीं जा अपना सेक बना के लाओ। हैं ओरियो शेक देखो भाई गाय ये सीन कट होगा। सॉरी भाई कहाँ पहुँचे भाई? कहाँ किसी डैम में ब्लैक कर दिया। पानी वानी सूखा हुआ यहाँ पे। बोला भी नहीं जा रहा मेरे मुँह से इतने दिनों बाद बोल रहा हूँ। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बीर बिलिंग। पहुँचे तो नहीं है बट अभी एक डेढ़ घंटे का रास्ता है। एंड अभी कुछ देर के लिए बस हमारी रुकी पड़ी है। अभी जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बीर बिलिंग। एंड यार तुम लोग यार बड़े कमीने इंसान हो। सो अभी हम लोग निकलेंगे शाम को सनसेट में। अरे पहले ठिकाना भी नहीं है हमारा। नहीं ठिकाना है ऐसा मत बोलो। ठिकाना हमारा 1 बजे भाई। कॉपीराइट लग जाएगा। चुप हो जा थोड़ा। सॉरी भाई कॉपीराइट लग भी जाएगा तो क्या होगा भाई? तेरा चैनल तो चलता नहीं है वैसे भी भाई। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। उसका मतलब ये होता कि उन्हें तकलीफों से डील करना होता है। Shiny bar, we just get to start. Burn on your hand, make you my girl. Light up, Skechers. Light up my bar. So जी आज का हमारा ये होम स्टे है, देख सकते हो जैसे कि आप आज इस होटल में रुक रहे हैं। एंड बाकी पीछे ठीक मेरे आप पहाड़ी देख रहे हो, इसके पीछे ही हमारा जो एडवेंचर है वो आज होने वाला है शाम को 4-5 बजे करीब। तो जैसा होगा हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। बेइज्जती मत करिए व्लॉग में। आउट चल ले So guys, मौसम बिगड़ रहा है। पता नहीं आज हम पैराग्लाइडिंग कर पाएंगे भी या नहीं। बाकी जैसा होगा हम देखते हैं। अभी तो टाइम ज़्यादा हुआ नहीं। अगर ज़्यादा अंधेरा हो गया और मौसम खराब रहा तो आज नहीं कर पाएंगे। अभी 2 दिन तक वैसे स्टे है हमारा। कल फिक्स है। सेम लोगों की वीडियो। ये नकली आदमी है। ये फटने वाले आदमी है। लोग इतनी हाइट से चल भाई। बहुत हाइट है। पांच हजार की ऊंचाई से तो रहेंगे ये लोग। तेरा भाई इतना सा बोलते हैं ना, इतना सा भी नहीं डरेगा देखते थे। सो गाइस हमारा आज का पैराग्लाइडिंग कैंसिल हो चुका है बिकॉज मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है देख सकते हो आप। तो हमने डिसाइड किया आज थोड़ा मनुष्य घूमेंगे। एंड ये है कुछ यहाँ का सीन। बाकी मौसम खुद देख सकते हो। ऐसे मौसम में करना थोड़ा रिस्क है। पूरे बादल काले हो चुके हैं। एंड ये है मनिस्ट्री। अगर कुछ लोगों को मनिस्ट्री का मतलब पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे में मंदिर और किसी में मुस्लिमों में मस्जिद और सिख में गुरुद्वारा होता है, वैसे ये जैसे तिब्बतन लोग होते हैं उनके लिए ये मंदिर है कुछ कह सकते हो, मतलब धार्मिक प्लेस है। तो ये कुछ ऐसा सीन है जैसे आप देख सकते हो। यहाँ सारे के सारे ज़्यादातर तिब्बतन लोग रहते हैं। सो जी ये है बीर बिलिंग का लैंडिंग पॉइंट, जो पैराग्लाइडिंग करके जहाँ पे लैंड होता है ये वो पॉइंट है। एंड जो पैराग्लाइडिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वो आपको पहाड़ी दिख रही है, वो 40 मिनट का रास्ता है। वहाँ पे 18 किलोमीटर वहाँ पे पहले जाना पड़ता है। देन वहाँ से आपको पैराग्लाइडिंग करवाएंगे, वहाँ से करते 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 यहाँ पर लैंड। एंड अभी यहाँ पर आके पता चला कि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी बंद कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। ऊपर आप लोग देख सकते हो वहाँ पर थोड़ा मतलब
बारिश ऐसा मौसम कर दिया जिस वजह से पैराग्लाइडिंग सारा मतलब भी बंद कर दिया। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग नहीं करेंगे, मौसम खराब हो रहा है, बट यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों ने बंद कर रखा है, तो हो सकता है हम लोग शायद कल आएँ। अगर कल भी मौसम खराब रहेगा तो परसों आएँगे, परसों भी नहीं हो पाया तो जय श्री राम, क्योंकि हम भाई परसों चले जाएंगे वापसी। चेक करो बारिश हो गई, जिसका डर था वही हुआ। अच्छा हम लोग पैराग्लाइडिंग नहीं गिरे, अब हमारा पैराग्लाइडिंग कल होगा, कल शायद हम लोग 1 बजे आए दोपहर में, बाकी जो जो होगा हम आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। कैसे घटे रे बदरागे तेरी कहानी की, अरविंद पाजी खींच के ओ सोनिया तेरा मेरा साथी रमन भी उठाओ The next morning. हाँ वही रोहित, कहाँ जा रहे हैं? हाँ तो गाइज अभी प्लान क्या हुआ है हमारा, मतलब प्लान थोड़ा कैंसिल नहीं चेंज हो गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज थोड़ा मतलब मौसम ख़राब हो गया जिस वजह से हमारा नेक्स्ट डे थोड़ा चेंज हो गया प्लान कि हम अगले दिन करेंगे पैराग्लाइडिंग, बट क्या हुआ आज भी मौसम ख़राब हुआ जैसे आप देख सकते हो पीछे कितना तगड़ा फॉग हो रहा है। सो अभी हम लोगों ने सोचा है जो हमारा वाटरफॉल का हमारा जो कल प्लान था वो हमने स्किप करके हमने आज कर लिया, तो वाटरफॉल हम आज जाएंगे एंड बाकी ये पैराग्लाइडिंग के लिए कल सुबह जाएंगे 6 बजे, क्योंकि 6 बजे का ये रीज़न है सनराइज़ में और अच्छी पैराग्लाइडिंग होती है, मतलब प्यारा लगता है। सो चलो चलते हैं। तो जी ये हम आ गए हैं वाटरफॉल, ये हमारा कुछ 20-25 मिनट का रास्ता है ट्रैकिंग का, सो अभी थोड़ा ट्रैकिंग करेंगे देन उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो जी चलते चलते अभी 10 मिनट हो चुका है एंड अभी तक हम लोग पहुँचे भी नहीं है, और ये जो चढ़ाई है ना एकदम खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल केदारनाथ की जो खड़ी चढ़ाई थी ना ठीक वैसी। ये देखो बड़ी बड़ी है, भैंस आ जा, हम फर्स्ट हम चढ़ के दिखाएंगे बिना हेल्प के, देखते रहो चप्पल में, चप्पलों में चढ़ के दिखाओ, सारे जूतों में लेता चप्पल, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। मैं जा रहा हूँ, अबे मैं जाता हूँ पहले, चलो अब क्या हुआ?
अबे आ जा ओ सुअर पक्की पक्की में दे दूंगा। सो गाइस फाइनली हम लोग वाटरफॉल से नहा धो के निकल चुके हैं। एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा। हमने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा मजा आया भाई, बहुत ज्यादा मजा आया। एंड अब हम जा रहे हैं थोड़ा कैफे कुछ खाने पीने। यहाँ पे देखो ठीक इसके बगल में यहाँ पे सामने वहाँ से वाटरफॉल हो रहा है, ठीक उसके इधर आसपास में एक कैफे है। आ चुके हैं दोस्तों अपने प्यारे काली जगह, अटक गया, रुक जाओ, अटक गया। अच्छा अब चलते हैं, हम आ चुके हैं कैफे। बाय। The next morning. So, जी फाइनली जिस दिन का इतने दिनों से वेट था आज आ चुका है। एंड आज हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने। दो बार कैंसिल हो चुके हैं हम लोग का, थर्ड टाइम चांस मिला है जाके। अभी भी चांस है कि ऊपर जाके हम लोग को क्लाइमेट क्या मिलता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी रिस्क पे जा रहे हैं हम लोग। फिर भी जाके देखते क्या सीधे क्या नहीं। पैराग्लाइडिंग के लिए आज हम लोग इतना जल्दी उठे, सुबह 6 बजे, हम लोग रात में लेट भी सोए हुए थे, आधा पौना घंटा भी मुश्किल से सोए होंगे। उसके बाद फटाफट उठ के फ्रेश हो गए, सारे रेडी हो गए एंड बाकी टाइम देखो वहाँ पहुँची है। चेक करो ड्राइवर भैया मजे में कितना ऊपर ले जा रहे हैं। हम करीब कितने फीट ऊपर जा रहे हैं? 8,000 फीट ऊपर जा रहे हैं हम लोग, और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक से पैदा कर रहे हैं। सेकंड हाईएस्ट पीक से नहीं, ये करो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट सेकंड पे आता है ये पैराग्लाइडिंग के लिए, और ये करीब इसका डिस्टेंस है 8,000 फीट। 8,000 फीट की हाइट से हम लोग नीचे उतरने वाले हैं हवा में उड़ते उड़ते। और डर तो नहीं लग रहा पागल। और रोहित गाना गाएगा उड़ता ही। So guys, welcome to the TRS vlogs, DLR vlogs। ये आदमी कभी ढंग का ना मिलेगा। तो रोहित vlogs, तो finally दो दिन की इंतजार, 2 दिन का पेशेंस और 2 दिन का प्यार हम सब अंदर दबा के फाइनली आज पहुंच गए। हमारी आज बस है, पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मौसम अभी भी थोड़ा बिगड़ा हुआ ही लग रहा है। सारी बात छोड़ो, डर लग रहा है? अरे बिल्कुल भी डर लग रहा है। माउंटेन ड्यू डर की माँ बेटे बेटे डर लग रहा है बहुत, सोच कूद रहे पार। ये भी नकली आदमी है, तुमसे पूछने बेटा। ये नकली आदमी है भाई, सही बता रहा हूँ। यहाँ से बंदा जाएगा भगते 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 कूदा कूदते 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 उधर लैंडिंग पॉइंट, वहाँ पे जाके बंदर लैंड होगा। चारों तरफ फॉग हो रखा है ना, अभी हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं कितना टाइम लग सकता है ये क्लाउड ठीक होने में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी लगेगा, लेकिन आज करके ही जाना है, इतना सोच के चले। मेरे पास भी है। सो गाइस फाइनली हम लोग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से स्टार्ट होगी पैराग्लाइडिंग, एंड ऑलमोस्ट सारे लोग रेडी हो चुके हैं। मैं दिखाता हूं कहां से कहां जाना है। हां वही मैं भी कर। ओए होए चेक करो। हां जी तैयार हो गए ओ भाई यार।
तो ज़्यादा ले लेकिन लैंड कराते हैं।